तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खास टूल के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मान लीजिए कि ये हमारा फ़ोटो है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कि ऐसा हमारा फ़ोटो है और इस फोटो में हम ऐसे कपड़े का कलर चेंज करना चाहते हैं अगर अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में, तो परफेक्टली चेंज नहीं हो पाता है, जो कि मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लाइट रूम एप्लीकेशन में आ चुका हूँ अपने फ़ोटो को लेके, और यहाँ पे मैं कलर वाले ऑप्शन पे जाके और मिक्स टूल पे सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें हम मैं अपने कपड़े के कलर को चेंज करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रेड टोन सेलेक्ट किया हूँ, रेड टोन का कपड़ा भी है, तो इसका आप लोग को पता ही होगा कि ऊपर वाला जो ह्यू होता है इससे कलर चेंज होता है, ठीक है ना। तो मैं इसको इधर की साइड में करता हूँ, देख सकते हैं ये कौन सा कलर हो गया, और इधर करता हूँ तो देख सकते हैं कौन सा कलर हो गया। बट इसमें हम कोई भी कलर नहीं ऐड कर सकते। अगर हम चाहें कि हम इसको ब्लू कर लें, या ब्लैक कर लें, वाइट कर लें, या फिर ग्रीन कर लें, जैसे भी मतलब, तो वो कलर नहीं आ पाता है, ठीक है। तो प्रोफेशनली एकदम कलर चेंज भी होता है कभी कभी, तो डुप्लीकेट सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को वही चीज़ एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, वही चीज़ सिखाने वाला हूँ कि हम अपने कपड़े का एकदम प्रोफेशनली कलर कैसे चेंज करें, ठीक है। तो इस वीडियो में वही चीज़ बताएंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और उससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाइए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं ऐसी ऐसी पोस्ट, क्रिएटिव पोस्ट अपलोड करते रहता हूँ, जिसपे आप लोग कमेंट करके बता पाएंगे कि मुझे इस फोटो का ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं इस फोटो का ट्यूटोरियल बनाऊँगा, ठीक है ना। तो हम आपको सीधे सीधे बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले इस फोटो को हम लोग शेयर करना है अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो ध्यान से देखिए, पिक्सआर्ट में कलर चेंज करने का दो दो रास्ता है, मैं जो कि आप लोग दोनों ट्रिक बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि हम पिक्सआर्ट में आ चुके हैं अपने फ़ोटो को लेके। तो पिक्सआर्ट में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाता है आपको इफेक्ट वाला। देखिए अभी तो ये फर्स्ट ट्रिक है, सेकेंड ट्रिक और भी कमाल का है और भी ईजी है। तो हमें सबसे पहले इफेक्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं इस पर मैं क्लिक कर दिया हूँ, और इसको थोड़ा सा ऐसे स्लाइड करेंगे, तो लेफ्ट साइड में स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है आपको कलर्स का, ठीक है। कलर्स पे क्लिक करेंगे और इसके बाद से यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को, जो कि यह है कलर रिप्लेसमेंट, ठीक है, रिप्लेस का। इस पर क्लिक करेंगे और ये जो बीच में एक गोला आया है, यानी कि गोल कर्सर, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ऐसे पकड़ के और अपने कपड़े पे ले जाके ऐसे छोड़ देना है, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा है रिप्लेस ह्यू, यहाँ से हम अपने कपड़े का कलर चेंज करेंगे। जैसे कि हम इसको इधर करेंगे तो जैसे चाहिए वैसे हम कलर ला सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मैं इसको इधर कर रहा हूँ तो कैसे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से मान लीजिए कि हमको ये ग्रीन कलर रखना है, जैसे कि ये वाला कलर रखना है, तो ये आसानी से रख सकते हैं। उसके बाद से इरेजर वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम लोगों का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम लोग आसानी से इरेज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके इसका साइज़ को बढ़ा लेंगे और यहाँ से हम एकदम परफेक्टली इरेज कर देंगे, एकदम बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हम अपने कपड़े का कलर चेंज किए हैं, और एकदम प्रोफेशनल दिखेगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं मैं कितना अच्छे से चेंज कर रहा हूँ, मतलब कलर, मतलब बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है कि आप मैं अपने कपड़े का खुद का कलर चेंज किया हूँ या रियल में ऐसा ही कलर है, ठीक है। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये छोटा छोटा है, अगर आप लोग इसका फोकस नहीं करेंगे, इसको डिलीट नहीं करेंगे, तो इतना ही चीज़ से आपका फ़ोटो पकड़ में आ जाता है कि आप लोगों का फ़ोटो एडिटिंग है। तो एडिटिंग ऐसा कीजिए कि आप लोगों का एडिटिंग कोई समझ ही ना पाए, ठीक है। और देख सकते हैं मैं ऐसे करके एकदम बना दिया हूँ। तो अगर आप भी एडिटिंग का कोर्स करना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो बहुत ही जल्द मैं वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग एडिटिंग का कोर्स अगर करना चाहते हैं तो वीडियो टाइम बाय टाइम आएगा, जो कि मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे मैसेज करके बता दूंगा। तो आप लोग वहाँ पे एक्टिव हो जाइएगा, और जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा वीडियो आप लोग सबसे पहले देखिएगा। और उसका सबसे खास कंडीशन ये है कि आप लोगों को वीडियो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और भी मैं अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊँ, और आप लोगों के लिए मतलब पूरा एडिटिंग का कोर्स करवाऊँ, और आप लोग भी समझ पाए स्टेप बाय स्टेप, अच्छा फ़ोटो एडिट कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे बेसिक स्टेप बताने वाला हूँ, ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग एडिटिंग कमाल का कर पाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं अपने कपड़े का कलर चेंज किया हूँ। यहाँ पे मैं सब चीज़ पूरा डिलीट कर लिया हूँ, पूरा देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे कपड़े का कलर चेंज हो चुका है, ग्रीन हो गया है। तो
ऐसे करके आप लोग भी अपने कपड़े का कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर की साइड में डन का एक ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग यहाँ से सिंपली सेव कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं बैक, और बैक चलेंगे और सेकेंड ट्रिक बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो फर्स्ट वाला ट्रिक था, सेकेंड ट्रिक में ये है कि हम टूल वाले ऑप्शन पे चलेंगे और टूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, टूल पे ऐसे क्लिक करेंगे और इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा एडजस्ट का। ठीक है ना, एडजस्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें देख सकते हैं इसमें भी एक ऑप्शन मिल जाता है ह्यू का, HUE। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम आसानी से ऐसे इधर या फिर इधर करेंगे। यहाँ से भी सेम प्रोसेस से ऐसे ग्रीन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बट ये पूरा फोटो पे वर्क करता है, हमको पूरा फोटो पे वर्क नहीं करवाना है। देख सकते हैं जैसे मुझे ब्लू करने का मन है ऐसे ब्लू हो गया, यहाँ से बहुत ही अच्छे से हो गया है। और ऐसे इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, इरेजर पे जाके और नीचे एक इन्वर्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे और अपने कपड़े पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी करके आप लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे भी करके आप लोग अपने कपड़े का कलर चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, फ़ोटो को जूम कर करके ऐसे करना पड़ेगा और आपके कपड़े का कलर ब्लू हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है। और सिंपली इतना करने के बाद फाइनली आप लोग यहाँ पे डन करेंगे और यहाँ से ड्रॉ टूल में जाके और यहाँ ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले ही सेव इमेज, यहाँ से अपने फ़ोटो को आप लोग आसानी से सेव कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था आज का एक छोटा सा वीडियो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो पे एक लाइक कर देना और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि मैं ऐसे ऐसी वीडियो लाता रहूँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।